Hello everyone and welcome to Wings Ek Udaan. My name is Yashodhara Singh Jhumwal and welcome to my lecture series and I am dealing with environment, ecology and disaster management. Isi ke saath, my description box mein humare social media handles hain to link with us, to join us and those who haven't subscribed to our channel yet, do not forget to subscribe to us and do not forget to hit the bell icon taki hum koi bhi nai video ya update lekar aaye to aapko uska notification aa jaye. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक्वेटिक जोन्स एंड इकोसिस्टम के बारे में और आज है हमारा कंटिन्यूटी वीडियो एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द कोरल पॉलिप्स और कोरल रीफ्स. अगर हम कोरल रीफ्स की बात करें, एज द नेम सजेस्ट, रीफ, रीफ का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और अ स्ट्रक्चर और सिंपली अ स्ट्रक्चर. तो रीफ क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर. और ये स्ट्रक्चर बना किसकी वजह से है, ये बना है कॉरल्स की वजह से, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉरल रीफ्स. तो वो रीफ्स जो कॉरल्स बनाते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉरल रीफ्स. सो व्हाट आर दीज, दीज आर फॉर्म्ड बाय टाइनी लिविंग क्रीचर्स That are found in oceans and seas. और ये कहाँ पाए जाते हैं कॉरल रीफ्स, कॉरल रीफ्स पाए जाते हैं ओशंस और सीज में और इनको बनाने वाले होते हैं टाइनी लिविंग क्रीचर्स विच आर कॉल्ड एज कॉरल पॉलिप्स और सिंपली पॉलिप्स. फाइन, अगर हम कॉरल रीफ्स की बात करें तो ये आते हैं किंगडम एनिमेलिया में अंडर सिनेडेरिया. ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजिकल टर्म्स आ गई हैं. अभी आप इतना सिर्फ इन्वायरमेंट में याद रखें कि कॉरल जो आपके पॉलिप्स हैं या सिर्फ पॉलिप्स हैं ये आपके किंगडम एनिमेलिया में आती है अंडर सिनेडेरिया. नाउ कॉरल रीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आपके इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो आप ये टॉपिक ध्यान से समझिएगा. अगर हम कॉरल रीफ्स की बात करें या कॉरल पॉलिप्स की बात करें, कॉरल पॉलिप्स एक्सट्रीमली फ्रजाइल लिविंग क्रीचर्स है. फ्रजाइल का मतलब है इनको जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, स्पेशल कंडीशंस चाहिए. अगर वो कंडीशंस ना हो तो ये मर जाते हैं. तो इनकी स्पेशल कंडीशंस जो इनको चाहिए जिंदा रहने की आर एज फॉलो. नंबर वन इज की दे आर फाउंड इन शैलो एरियाज. अब पानी के पास पाई जाती हैं, ओशंस एंड सीज में पाई जाती है और नियरर टू द कोस्ट पाई जाती है. बहुत नियर भी नहीं, क्योंकि जब टाइड्स वगैरह ज़ोर से आती, क्योंकि ये फ्रजाइल है तो ये आसानी से मर जाएंगी. और ज़्यादा पानी के नीचे भी नहीं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं, क्योंकि ऊपर रहेंगी तो जो आपका टाइड का वाटर है वो बहुत तेज़ी से आएगा एंड दे माइट डाई. लेकिन बहुत डेप्थ पे भी नहीं. सो दे नीड अ वेरी शैलो एरिया जहाँ पर ये अच्छे से ग्रो कर पाती हैं. नाउ शैलो एरिया इनको क्यों चाहिए होता है, ये हम आगे के जानेंगे कि इनको शैलो एरियाज क्यों चाहिए होता है. इसके अलावा ये ज़्यादा ठंडे इलाकों में सर्वाइव नहीं कर पाते, इनको क्लियर वाटर एंड वार्म वाटर चाहिए होता है. सो दे नीड क्लियर वाटर और वार्म वाटर एंड सनी कंडीशंस फॉर देयर सर्वाइवल. सो व्हाट डू दे वांट शैलो एरिया, आगे पढ़ेंगे वाई. नंबर टू इज इनको क्लीन एंड क्लियर वाटर चाहिए होता है. नंबर थ्री इज इनको वार्म कंडीशंस चाहिए होती हैं एंड ब्राइट सनी कंडीशंस चाहिए होती हैं इनको सर्वाइव करने के लिए. नाउ सनी कंडीशंस भी क्यों चाहिए होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे. नाउ एज आई टोल्ड यू दे आर एक्सट्रीमली फ्रजाइल, ये बहुत ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन बहुत गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. जैसे अभी आपको मैंने बताया कि इनको वार्म कंडीशंस चाहिए, लेकिन कितनी वार्म चाहिए, एक्सट्रीमली वार्म भी नहीं चाहिए इनको. इनको टेम्परेचर जो चाहिए होता है इनके लिए परफेक्टली ग्रो करने के लिए, इट इज़ इन बिटवीन 23 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस. अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसको ये सर्वाइव कर सकते हैं इट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर जब जिसमें ये सर्वाइव कर सकते हैं इट इज़ 20 to 18 डिग्री सेल्सियस. सो आप ये याद रखिएगा, एक्सट्रीमली वार्म भी नहीं चाहिए, 23 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में. और एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें ये अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं इट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर इज 20 और 18 डिग्री सेल्सियस. अब जिस कंडीशंस में ये सर्वाइव करते हैं उसमें इनको सैलिनिटी की भी ज़रूरत पड़ती है. एक्सट्रीमली सलाइन भी नहीं चाहिए होता, इनको कुछ परसेंटेज ऑफ सैलिनिटी अगर हो तो ये अच्छे से ग्रो कर सकती हैं. और वो सैलिनिटी कितनी है, इट इज़ इन बिटवीन 27% to 40%. सो दिस इज़ अगेन अनदर कंडीशन. नाउ
अगर हम कॉरल पॉलिप्स की बात करें एंड ऑब्वियसली कॉरल पॉलिप्स से कॉरल रीफ्स की बात करें, तो इनकी मेजर लोकेशन क्या है जहाँ पे कॉरल रीफ्स हमको पाए जाते हैं? मेजर लोकेशन इज इंडो पैसिफिक रीजन. सो मेजर और सबसे ज़्यादा जो कॉरल रीफ्स हैं आपको पाए जाते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में. नाउ हियर मैं आपको एक बात बताऊं, ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, इन दोनों में ये एब्सेंट होते हैं. अब ये एब्सेंट होते क्यों हैं? अगर वैसे तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है और जब आपका ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट होगा उसमें यू विल क्लियर इट वेरी अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा. इसमें कंसेप्ट लगता है आपके वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स की. ये डिटेल में पढ़ना है आपको ज्योग्राफी में, बट इन्वायरमेंट के लिए जितना आपको ज़रूरत है मैं आपको उतना ही बताऊंगी. जो भी इक्वेटर के थ्रू करंट्स उठते हैं उनको हम वार्म इक्वेटोरियल करंट्स कहते हैं, और जो नीचे से आते हैं उनको हम कोल्ड करंट्स कहते हैं. अगर हम वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका देखें तो ये दोनों क्या हैं, वहाँ पर कोल्ड करंट्स चलती हैं जो कंडीशंस नहीं बनाती हैं फॉर कॉरल पॉलिप्स टू सर्वाइव. इसीलिए वहाँ पर कॉरल रीफ्स आर एब्सेंट. और मेजरली कहाँ पे प्रेजेंट है? ये इंडो पैसिफिक रीजन में ये मेजरली प्रेजेंट है. आगे बढ़ते हैं. ओके अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीमली फ्रजाइल होते हैं, ये आसानी से मर जाते हैं, तो इसीलिए ये माउथ ऑफ द रिवर या माउथ ऑफ द सी या ओशन में नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत तेजी से आपके टाइड वगैरह आएंगे तो ये मर जाएंगे. इसी के साथ कॉरल जो आपके ये एरियाज हैं दे आर कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी. इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहते हैं. इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी और ओशन? क्योंकि जो एरिया कॉरल रीफ्स कवर करते हैं, टोटल ओशन के एरिया जो ये कवर करते हैं वो बहुत कम है, लेकिन उस छोटे एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा है. अगर हम इनकी बात करें तो इनका लेस देन वन परसेंट, ऑलमोस्ट 0.1% ऑफ द वर्ल्ड ओशन सरफेस पे आपके कॉरल रीफ्स हैं, बट दे आर होम फॉर ऑलमोस्ट और मोर देन 25% ऑफ द मरीन स्पीशीज. सोचिए 0.1% से भी कम एरिया और कितनी बायोडाइवर्सिटी है, 25% से भी ज़्यादा की मरीन स्पीशीज आपको यहाँ पे पाई जाती हैं. इसीलिए हम इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज और ओशंस भी कहते हैं. नाउ अब कॉरल पॉलिप्स हैं, एक्सट्रीमली फ्रजाइल हैं. नाउ गॉड हैज़ मेड अस लाइक दिस कि हम हर चीज़ में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं और हम लोग उन्हीं कंडीशंस में पाए जाते हैं जहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं. सिमिलरली कॉरल पॉलिप्स बीइंग एक्सट्रीमली फ्रजाइल एंड सेंसिटिव, इनको भी ऊपर वाले ने कुछ अडेप्टेशन या इनको भी सर्वाइव करने के मीन्स बनाए हुए हैं. ये सर्वाइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज़ू ज़ैंथलीज. अगर हम ज़ू ज़ैंथलीज की बात करें तो कॉरल पॉलिप्स एंड ज़ू ज़ैंथलीज आर इन सिम्बायोटिक रिलेशन. सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब ये होता है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करे, और दोनों में से कोई एक, मोस्ट केसेस में दोनों, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी उससे बेनिफिट हो तो हम मानते हैं कि वो एक सिम्बायोटिक रिलेशन में है. फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार देखा होगा कि एक गाय के ऊपर या एक बफेलो के ऊपर एक वाइट कलर का बर्ड बैठा होता है और वो कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ पीठ से निकाल कर खा रहा होता है. नाउ काऊ और बफेलो का वो जो इंसेक्ट या जो भी उसके ऊपर फीड कर रहा है उसको वो खा रहा है, उसका जर्म जा रहा है और दूसरा वाला जो है उसको खा के अपना पेट भर रहा है. तो वो दोनों कहाँ हैं, एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. सिमिलरली कॉरल पॉलिप्स और ज़ू ज़ैंथलीज भी एक दूसरे के साथ क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन में है, एक दूसरे के सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं. अगर कॉरल पॉलिप्स की बात करें तो कॉरल पॉलिप्स फ्रजाइल हैं, सेंसिटिव हैं, इसलिए सर्वाइव करने के लिए एक्सक्रीट करते हैं CaCO3. क्या एक्सक्रीट करते हैं? CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट.
जब कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं तो अपने आगे पीछे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं और उसके अंदर रहते हैं आपके कोरल पॉलिप्स। नाउ दैट CaCO3 की लेयर उसके अंदर सर्वाइव करते हैं आपके जू जैंथलीस। फाइन, सो कोरल पॉलिप्स क्या सिक्रीट करते हैं, क्योंकि फ्रजाइल है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्रीट करते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और उस प्रोटेक्टेड लेयर के अंदर सर्वाइव करते हैं आपके जू जैंथलीस। अगर हम जू जैंथलीस की बात करें, आप लोग कंफ्यूज मत होना विद जू जैंथलीस एंड योर फाइटोप्लैंक्टन्स। एनिमल में एनिमल इनको कंसिडर किया जाता है, जू प्लैंक्टन्स जू जैंथलीस की बात करें तो ये प्लांट है और क्या है, दीज आर योर एलगी। नाउ कॉरल पॉलिप्स ये क्या सिक्रीट करते हैं, CaCO3 सिक्रीट करते हैं और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं। सो कॉरल पॉलिप्स दे प्रोवाइड शेल्टर और प्रोटेक्शन टू हु, टू जू जैंथलीस, एंड इन रिटर्न जू जैंथलीस क्या करेंगे, एलगी है प्लांट है तो ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स दे आर प्लांट्स, तो ये फोटोसिंथेसिस करती है और फूड प्रोवाइड करती है कोरल पॉलिप्स को। फाइन, और फूड प्रोवाइड करते हैं आपके कोरल पॉलिप्स को। सो सिंबायोटिक रिलेशन कैसा हो गया, कोरल्स शेल्टर एंड प्रोटेक्शन एंड इन रिटर्न जू जैंथलीस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फाइन, नाउ जब ऊपर मैंने आपको दो कंडीशंस के बारे में बताया था, आई टोल्ड यू कि इनको क्या चाहिए, नंबर वन इज इनको शैलो एरिया चाहिए एंड नंबर टू इज इनको सनी कंडीशंस चाहिए। इसके दो रीजंस हैं, पहला हो गया शैलो एरिया, अगर बहुत डेप्थ में पाए जाएंगे कोरल पॉलिप्स तो वहाँ तक आपके सन रेज नहीं पहुँच पाएंगे, अगर सन रेज नहीं पहुँच पाएंगे तो जू जैंथलीस फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, इसीलिए conditions for survival of coral polyps is shallow area, ताकि वहाँ पे sun rays पहुँच पाए and जो zoo xanthales जो इस CaCO3 के अंदर survive कर रहे हैं वो अपना photosynthesis भी कर पाए। और coral polyps जो है, अगर आप इनकी images देखेंगे तो ये बहुत beautiful होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, वो रंग कौन देता है, वो रंग corals का नहीं है, वो रंग zoo xanthales के द्वारा दिया गया है। Fine, okay, so this was about the first condition. Fine, number two condition was sunny conditions, because obviously sunlight is very important for photosynthesis to take place. तो ये दोनों condition corals के लिए इसीलिए important है क्योंकि आज आकर corals को खाना zoo xanthales ही provide करते हैं। Fine, नाउ लाइक आई टोल्ड यू कि जो आपके कोरल पॉलिप्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, CaCO3 सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, इसीलिए दे आर द लार्जेस्ट बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये खुद से सिक्रीट करते हैं इसीलिए ये प्रोड्यूसर्स हैं और क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। फाइन, अगर हम कोरल रीफ्स की बात करें तो कोरल रीफ्स जो है आपके तीन तरीके की हैं, टाइप्स की बात करें, वन इज द फ्रिंज रीफ, नंबर टू इज द बैरियर रीफ एंड नंबर थ्री इज द अटॉल। अगर हम फ्रिंज रीफ की बात करें, जैसे कि ये आपका लैंड और ये आपका कोस्ट है, अगर कोस्ट के पास कोई रीफ टाइप स्ट्रक्चर बन जाए, रीफ टाइप स्ट्रक्चर बन जाए, ये आपका मेन ये आपका वाटर बॉडी है और बिल्कुल लैंड और वाटर बॉडी और ये कोस्ट के पास आपका रीफ बन जाए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये क्या है, आपका फ्रिंज रीफ है एंड इट इज वेरी क्लोज टू योर शोर, इट इज क्लोज टू योर शोर। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये लैंड से आपके मेन वाटर बॉडी को अलग कर रहा है। ठीक है, ये आपका लैंड आ गया, ये आपका मेन वाटर बॉडी आ गया और इसको अलग कर रहा है बीच में एक तरीके का रीफ, विच इज कॉल्ड एज योर फ्रिंज रीफ। तो जो आपके बिल्कुल कोस्ट के पास या शोर के पास पाए जाएंगे रीफ, उनको हम बोलते हैं आपके फ्रिंज रीफ। नंबर टू आता है आपका बैरियर रीफ, जैसे इसके नाम में ही बैरियर है, बैरियर का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई रुकावट। नाउ दिस इज योर लैंड और यहां पे कहीं आपका और ये आपका वाटर बॉडी आ गया। नाउ कोस्ट
के पास या शोर के पास नहीं हो और थोड़ी दूरी पर इस तरीके का आपका कोई रीफ बन जाए, या आपका लैंड या आपका मेन वाटर बॉडी, और कहीं यहां पर आपका इस तरीके का कोरल रीफ बन जाए, तो इसको हम बोलते हैं बैरियर रीफ। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो आपका क्वींसलैंड के पास है। नाउ ये आपका रीफ। सो अब ये बैरियर किसको प्रोवाइड कर रहा है? बैरियर प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका मेन वाटर बॉडी है, ओशन या सी है, और यहाँ पे आपका लैंड है। अब ये मेन वाटर बॉडी और लैंड के बीच में एक बैरियर का काम कर रहा है, मतलब इसने, अब देखो पानी है तो कुछ हद तक पानी तो यहाँ पर भी मौजूद होगा, होगा ना पानी मौजूद। अब इसने क्या कर दिया, ये बीच में रुकावट बन गया है मेन वाटर बॉडी और ये वाटर बॉडी के बीच में और लैंड के बीच में। अब ये जो वाटर बॉडी होगा ये क्या हो जाएगा, ये एक स्टैटिक सी बॉडी बन जाएगी, जिसको हम प्यार से लगून कहते हैं। ठीक है, तो लगून क्या हो गया, लगून वो स्टैग्नेंट या एक स्टैटिक वाटर बॉडी है जो एक्चुअली मेन वाटर बॉडी का पार्ट था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उससे अलग हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं लगून। नाउ बैरियर रीफ्स दे फॉर्म लगून, जैसे कि यहां बन गए तभी तो बैरियर का काम करेगा ना, मेन वाटर बॉडी और लगून के बीच में, या मेन वाटर बॉडी और लैंड के बीच में, फाइन, इसको हम बोलते हैं बैरियर रीफ। अब तीसरे नंबर पे आता है आपका अटॉल। अब अटॉल क्या होता है, अटॉल होता है ये आपका वाटर बॉडी। नाउ जब रीफ बनता है नॉट नियर टू द कोस्ट, नॉट वेरी नियर टू द कोस्ट एंड नॉट इवन नियर टू द कोस्ट, ये कहीं वाटर बॉडी के बीचों बीच इस तरीके का एक गोल स्ट्रक्चर बना दे, गोल रीफ बना दे, और बीच में आपका स्टैटिक वाटर आ जाए। स्टैटिक वाटर कैसे आएगा, क्योंकि ये मेन वाटर बॉडी था, अब यहाँ पे रीफ बन गया, स्ट्रक्चर बन गया और बीच में कुछ पानी रह गया, तो ये बन गया आपका स्टैटिक वाटर, मतलब बीच में आ जाए लगून और आगे पीछे हो आपका मेन वाटर बॉडी, दैट इज द ओशन और द सी, और गोल आकार में हो आपका रीफ, और कहाँ पे हो, पानी के बीचों बीच, तो हम मानते हैं कि वो क्या है आपका, आपका अटॉल है। फाइन, सो दीज वर द थ्री टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ अब कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोरल रीफ्स किसी भी एरिया में अगर मौजूद हो तो वो दिखाते हैं कि वहां का एनवायरनमेंट, वहां का मरीन इकोसिस्टम कितना ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि अगर हेल्दी होगा तभी तो कोरल रीफ सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन कोरल रीफ्स को सबसे बड़ा थ्रेट जो है, इट इज कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग होने के बहुत ज़्यादा आपके रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है, इट इज़ द क्लाइमेटिक चेंज और द ग्लोबल वार्मिंग। सो द मेन थ्रेट इज द कोरल ब्लीचिंग जो हो रहा है, एंड मेन रीजन क्या है कोरल ब्लीचिंग का, वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, माइनिंग इज वन ऑफ द रीजंस, आपके ऑयल स्पिल्स आर वन ऑफ द रीजंस, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इज द चेंज इन क्लाइमेट और द क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, अगर कोरल ब्लीचिंग की बात करें, ब्लीच बहुत लोग समझते होंगे, ब्लीच इज कि जब आप अपना रंग जो है या अपना शेड जो है उसको कम कर दे, एक शेड नीचे, या आपका जब रंग जो है पेल होना शुरू हो जाए उसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग, राइट। सो कोरल ब्लीचिंग इज जब कभी भी फेडिंग हो, रंग फेड होना शुरू हो जाए या पेलिंग होना शुरू हो जाए, किसकी, कोरल रीफ्स की। और कोरल रीफ्स की कैसे होगी, फेडिंग कलर ऑफ पॉलिप्स, जब पॉलिप्स का कलर फेड या ब्लीच होना शुरू हो जाए तो हम मानते हैं कि उनको क्या होगी है, कोरल ब्लीचिंग होगी है। अब कोरल ब्लीचिंग होती किसकी वजह से, इट हैपन्स ड्यू टू द जू ज़ैंथलीज। जब कभी भी आपके जू ज़ैंथलीज में डिक्लाइन होना शुरू हो जाए तो हम मानते हैं कि क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। मेन रीजन ऑफ डिक्लाइन इज द डिक्लाइन इन द डेंसिटीज ऑफ जू ज़ैंथलीज। नाउ कॉरल्स का रंग किन की वजह से था, कॉरल्स का रंग था जू ज़ैंथलीज की वजह से। तो जब जू ज़ैंथलीज की डेंसिटी या जू ज़ैंथलीज मरने शुरू हो जाए तो हम मानते हैं कि कॉरल्स भी अपना रंग फेड या पेल होना शुरू हो जाएंगे। सो द मेन रीजन ऑफ डिक्लाइन इज द डिक्लाइन इन जू ज़ैंथलीज। फाइन,
अगर कोरल ब्लीच की बात किया जाए, अगर when coral bleach, they commonly lose 60 to 90% of their zooxanthellae. अब वो कहते हैं कि जब भी coral bleaching होता है तो 60 से लेकर 90% तक आपके zooxanthellae में decline आना शुरू हो जाता है. और अगर एक zooxanthellae की बात करें तो एक zooxanthellae जो है वो 50 to 80% जो है आपका, अगर ईच उसकी zooxanthellae की बात करें तो 50 to 80% तक जो कलर है वो एक zooxanthellae का है. और इट इज़ वाई, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट. उस पिगमेंट की वजह से ही इनका रंग होता है. और जब कोरल ब्लीचिंग होती है, जब आपका zooxanthellae मरता है, तो एक zooxanthellae अपना 50 से लेकर 80% तक पिगमेंट को लूज कर सकता है. और लूज करने का मतलब हो गया कॉरल्स पेल होने लगेंगे या फेड होने लगेंगे. नाउ कोरल ब्लीचिंग होता है, जैसे हम ग्रेट बैरियर रीफ की भी बात करें तो आज तक 2020 तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम इट वॉज थ्रेटनिंग कि आपका जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो हाई अमाउंट पे कोरल ब्लीचिंग दिखाना शुरू हो गया था. रिसेंटली 2020 में भी देयर वर न्यूज़ जब आपके कोरल जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ पे इट वॉज लाइक अ अलार्मिंग इशू. नाउ अगर स्ट्रेस कॉजिंग की बात करें कि क्या ये स्ट्रेस रिप्लेसिबल है, रिपेयरेबल है कि नहीं है, इज़ इट रिपेयरेबल और इनरिपेयरेबल. अगर हम इनकी बात करें, अगर तो ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा सिवियर हो गई है तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रिपेयरेबल. लेकिन अगर इट इज़ जस्ट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ ब्लीचिंग तो येस इट इज़ रिपेयरेबल. इफ़ द स्ट्रेस कॉजिंग ब्लीचिंग इज नॉट सिवियर And if it decreases with time, the effect coral normally regains the symbiotic relation with the algae. अब जब ज़्यादा time नहीं हुआ है ब्लीचिंग हुए और अभी ही आप steps लेने शुरू कर दो इसको protection करने के लिए, तो क्या हो सकता है आपका within some time जो है आपके zooxanthellae जो है और coral polyps जो है वो एक दूसरे के साथ वापस symbiotic relation में आ सकते हैं और healthy एक दूसरे को help करते हुए grow कर सकते हैं. फाइन, लेकिन अगर zooxanthellae का लॉस, zooxanthellae की डेंसिटी का डिक्लाइन अगर लंबे देर तक चले तो ये जो है इट इज नॉट रिपेयरेबल, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, इसको हम रिकवर नहीं कर सकते. एंड द कोरल होस्ट जो होता है इट इवेंचुअली डाइज. होस्ट क्यों? क्योंकि उस CaCO3 के अंदर ही तो zooxanthellae रह रहे हैं. तो कॉरल्स क्या, कॉरल पॉलिप्स क्या एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज होस्ट. जैसे आपके घर में कोई आता है रहने के लिए तो आप क्या हो, आप होस्ट ही तो हो. सिमिलरली कॉरल पॉलिप्स भी zooxanthellae के होस्ट का काम करते हैं. नाउ बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स आर बीन टेकन जिससे आपके कॉरल पॉलिप्स को बचाया जाए. जैसे अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्लाउड बर्स्टिंग इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज जिसको यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉरल पॉलिप्स. सो दिस वॉज आवर टॉपिक ऑन कॉरल पॉलिप्स. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन माई नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Thank you so much guys for watching the video. I hope that you liked the video and now we'll see you in our next lecture.